फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस हाई नेक में आर्म होल की कटिंग करना सिखाऊंगी कि हाई नेक बनाने के लिए आर्म होल की कटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, एक पार्ट की कटिंग मैं पहले से ही कर चुकी हूँ। इस वाले पार्ट में मैं आपको इसकी कटिंग करना सिखाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो हाई नेक हम बनाते हैं, इसकी बैक और फ्रंट दोनों की एक समान कटिंग होती है। हाई नेक को किसी भी साइड से पहना जा सकता है, इसमें दोनों साइड से एक बराबर बनता है। तो सबसे पहले आप जो है हाई नेक जिस किसी के भी साइज का बना रही हूँ, आर्म होल तक का नाप ले लीजिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले उसका नाप लेना बताती हूँ। देखिए, जैसे कि आप बच्चे का, बड़े का या जिस किसी के भी साइज का आप हाई नेक बना रही हैं, तो आपको देखिए फ्रेंड्स, ये जो आर्म होल हमने यहाँ से कटिंग करनी होती है, तो यहाँ से लेकर देखिए अब नीचे तक आपने जितनी लंबाई उसकी रखनी हो, क्योंकि ज्यादातर हाई नेक जो होते हैं फ्रेंड्स, जींस वगैरह पे बहुत सुंदर लगते हैं। तो जींस पे लगभग हमारा इतना नीचे तक अगर हाई नेक हो तो बहुत बेस्ट लगता है। तो आप आर्म होल से लेकर नीचे तक आप नाप लीजिएगा, जितनी लंबाई आपको रखनी हो उस हिसाब से आप हाई नेक की ये लंबाई तय कीजिएगा। तो देखिए इसकी लंबाई मैंने कितनी रखी है, ये मैं आपको नाप करके दिखा देती हूँ। यहां से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक कि मैंने इसको 16 इंच की इसकी लंबाई रखी हुई है, क्योंकि ये 10-11 साल से लेकर 12-13 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। तो 16 इंच की ये लंबाई रखने के बाद फिर मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग की है। टोटल इसकी जो लेंथ बनी है फ्रेंड्स, वो मेरी 23.5 इंच बनी है, क्योंकि यहाँ से कटिंग करने के बाद जो है 11-12 साल या 13 साल तक के बच्चे की जो है 7.5 या 7.25 इंच की आर्म होल की कटिंग में जो ये लंबाई हमारी बनती है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 7.5 इंच बनी है, जो काफी है। तो ये लंबाई अगर हम नापें तो ये हमारी ज्यादा होगी। देखिएगा, इधर से नापे तो ये 9 इंच बन जाती है, और यहां से यहां तक का नाप लें तो 7.5 इंच है, जो एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसकी कटाई शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाई नेक की जो हम आर्म होल की कटिंग करते हैं वो सीधी साइड से शुरू होती है, उल्टी साइड से कभी भी शुरू नहीं होती है। चाहे आप बाजू की करें या बैक फ्रंट पार्ट की किसी की भी करें, ये हमारी सीधी साइड से शुरू होती है। तो आप जब भी इसकी कटिंग करें, सीधी सिलाई पर आकर के करें, यहां से भी और यहां से भी एक ही सिलाई में हमारी कटिंग होगी, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। एक बार आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब ये हाई नेक मैंने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स बॉर्डर से, तो बॉर्डर में मैंने इसके 82 फंदे लिए थे, 16 फंदे मैंने ऊपर बढ़ाए थे, तो टोटल मेरे इसमें 98 फंदे हो गए थे। जब आर्म होल की कटाई यहां से स्टार्ट की तो 98 फंदे थे, दोनों तरफ से घटते घटते लास्ट में मेरे यहाँ पर 32 फंदे बचे हुए हैं, जो हाई नेक का हम गला बनाएंगे उसमें काम आएंगे। ये इतने ही होने चाहिए। अगर इस एज के बच्चे के लिए आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपके 30, 32 या 34 तक फंदे होने चाहिए। 14 साल तक के बच्चे के लिए, 10 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे का हाई नेक के या लास्ट में 30, 32, 34 में से कोई से भी रह जाए तो बहुत है। तो चलिए अब इसकी घटाई शुरू करते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसकी घटाई करने के लिए हमें क्या करना है, एक फंदा आप पहले उल्टा बना लीजिएगा। ये डिजाइन मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक इसे नहीं सीखा है तो आप चैनल पर हाई नेक का सेकंड पार्ट में देखिएगा, उसमें मैंने ये डिजाइन सिखाया हुआ है। ये इसका थर्ड पार्ट है जिसमें मैं आपको ये आर्म होल की कटिंग सिखा रही हूँ। तो साथ के साथ थोड़ा सा आपको डिजाइन भी बताऊंगी कि अगर यही वाला आप डिजाइन बनाएंगी तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये पहला फंदा आप उल्टा बना लीजिएगा इस तरह से। अब धागा पीछे कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स हम 2 फंदे घटाएंगे यहां से, उसके बाद हम एक एक फंदा घटाएंगे। तो क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इसको यहां से, ये जो हमारा एकदम से ये मोड़ आता है ये अच्छे से आ जाता है। तो देखिए, एक फंदा उल्टा बनाने के बाद इस फंदे को ऐसे लेंगे और पलट के सीधा कर लेंगे, और ये देखिए 2 फंदे का एक कर देंगे। इसके बाद अगले वाले फंदे को ऐसे लेंगे, इसको पलटकर सीधा कर देंगे, और पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहां 2 फंदे घटा लिए हैं।
अब हमने क्या करना, देखिए ये जो हमारी केबल बनती है यहीं से स्टार्ट होती है, तो इस बार हम इस केबल को सिर्फ सीधे सीधे फंदे बनाएंगे, इसके अगली वाली केबल को हम बनाएंगे लेकिन इसके हम सीधे सीधे फंदे बनाएंगे, यहां से हम केबल नहीं बनाएंगे। तो ये फंदे हम इसके सीधे बना लेंगे ऐसे ही, और उसके बाद आगे जैसे मैंने चैनल पर डिजाइन बताया हुआ है वैसे ही आप इसे बनाते जाइएगा, और लास्ट में जो इसके फंदे घटाने हैं वो मैं आपको घटा कर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो ये घटाई शुरू की है वहीं से इसको स्टार्ट किया है जहां पर ये केबल हमारी बनती है, ये कंप्लीट हो गई थी। जब सेकंड केबल हम बनाना स्टार्ट करते हैं तब मैंने ये घटाई शुरू की है। तो जब सेकंड केबल हमारी बनती है तो इस डिजाइन में ऐसे ही बनती है कि 10 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 10 फंदे सीधे। तो ये वही वाली मेरी सिलाई बन रही है, इसमें ये 10 फंदे सीधे बनाए हैं और 2 फंदे उल्टे बनाए हैं। तो ये आगे भी जो ये वाली केबल है इसमें सेकंड बार हमने ये जब सिलाई हमारी इसकी तीसरी सिलाई आती है उसमें हमने ये मोड़ देना होता है। पहली सिलाई में ये केबल बनाने के लिए हमने 10 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 10 फंदे सीधे बनाने होते हैं, तो वही बनाए हैं। यहाँ पर घटाने से पहले देखिए, पहले हम यहाँ पर ये इस लास्ट वाली केबल के फंदे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखिएगा, एक फंदा हमने ये उल्टा रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दो का एक करना है और इन दो का एक करना है, तो ये सातवां फंदा भी हम बना लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जब हमने बनाया था तो फंदा पलट के सीधा करके पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 किया था, इस साइड में पर हमने आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कीजिएगा, फिर से यहाँ पर आगे की साइड से ऐसे सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर दीजिएगा, धागा आगे करके ये लास्ट का फंदा आप उल्टा बना लीजिएगा। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी सिलाई पर। पहला फंदा अगर आपको उतारने की आदत हो तो आप उतार भी सकती हैं, मैं हमेशा पहला फंदा उल्टा ही बना कर लेती हूँ। तो इस डिजाइन के हिसाब से हमारी ये पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। अगर आपने कोई और डिजाइन बनाया हो और उसमें कोई डिजाइन आपका एडजस्ट करना हो उल्टी सिलाई पर तो वो आप बना लीजिएगा। उल्टी सिलाई में इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाना होता है। हाई नेक की आर्म होल कटिंग के लिए सिर्फ सीधी साइड से ही फंदा कम करना होता है। पहली बार हम 2-2 फंदे कम करते हैं, उसके बाद हर सीधी सिलाई पर एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से कम होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर। अब हमने फिर से इसकी कटाई करनी है, तो इसकी घटाई अब सेकंड बार कैसे करनी है। अब हमने यहाँ सिर्फ एक एक फंदा घटाना है हर सीधी सिलाई पर। 2 फंदे हम सिर्फ स्टार्टिंग में ही घटाते हैं, उसके बाद नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है। ये पहला फंदा अगर आपको उतारना हो तो उतार लीजिए, मैं हमेशा उल्टा ही बनाती हूँ। धागा पीछे, एक फंदा सीधा बना लीजिएगा। ये जो सेकंड वाला फंदा है इसे ऐसे लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। उसके बाद देखिए, ये जो केबल के फंदे हैं ये आप सीधे बना लीजिएगा, क्योंकि ये केबल हमारी इस साइड से बनने स्टार्ट होती है। तो अब हम यहाँ से फंदे घटा रहे हैं तो इसे हम नहीं बनाएंगे, तो यहाँ से हम ये फंदे सीधे बना लेंगे, साइड से इसमें घटते जाएंगे तो इसकी शेप जो है देखिए इस तरह से ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये इस तरह से हमारे साइड से घट रहे हैं तो ये देखिए ऐसे घटते जाएंगे। इस साइड पर हम एक बार इस तरह से हल्का सा मोड़ देंगे, मैं वो आपको देख करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो ये फंदे सीधे बना करके लास्ट तक के एक केबल के फंदे रहने तक मैं इसे बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन की भी ये तीसरी सिलाई है और घटाई की भी हमारी ये तीसरी सिलाई है, क्योंकि हर सीधी सिलाई पर इसकी घटाई होनी है। जब इस साइड से हम घटाई कर रहे हैं, केबल हमारी यहां से बननी स्टार्ट होती है, हर ऐसे बनती है ये, तो यहां से तो जब ये घटाई होगी तो देखिए इस वाले पार्ट में आप देख लीजिएगा तो इसकी लुक बहुत सुंदर आती है। अब इस साइड से जब इसकी घटाई हो रही है तो हम इस साइड से अपनी ये केबल बना सकते हैं, क्योंकि हमने इस साइड से ऐसे लेकर जानी है, घटाई इस साइड से होनी है। तो देखिएगा, तीसरी सिलाई पर हमारी ये केबल ऐसे स्टार्ट होती है। पहली सिलाई में हमने 10 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 10 फंदे सीधे बनाने थे। उल्टी सिलाई इस डिजाइन पूरी उल्टी बनती है। देखिए, पीछे की साइड से अगले वाले 2 फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे,
फ्रेंड्स डिजाइन वैसे मैं सिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए दोबारा से रिपीट करा रही हूँ। आगे वाले ये दो फंदे हम ऐसे यहाँ ले लेंगे और ये पीछे से दो फंदे ला करके हम इसके आगे डाल देंगे। ये देखिएगा, अब ये सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है। प्लाई वाली ऊन से बना रही हैं तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से बनाना होता है कि कोई इसमें से एक आध फर निकल ना जाए। ये देखिए ऐसे, फिर ये अगले फंदे। हमने कितने फंदे बनाए देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ, दस में से हमने छह फंदे बना लिए हैं। जब चार फंदे आपके यहाँ रह जाएं तो तब हमने घटाई करनी। चार फंदे रहने तक अपने बाकी के फंदे बनाने होते हैं। एक फंदा ये और एक ये, अगली साइड से देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे। एक फंदा अब ये सीधा, धागा आगे करके लास्ट का फंदा उल्टा। ये जो लास्ट का फंदा हम उल्टा बनाते हैं, इससे जो हम इसकी सिलाई करेंगे वो बहुत अच्छे से हो जाती है। उल्टी सिलाई इस डिजाइन में पूरी उल्टी ही बनती है और इस घटाई के हिसाब से भी उल्टी सिलाई पर कोई फंदा कम नहीं करना होता है, सिर्फ सीधी सिलाई पर एक फंदा इस साइड से और एक उस साइड से कम करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर, क्योंकि ये एक केबल पूरी होने तक मैं आपको ये घटाई करके दिखाऊंगी, आगे फिर सेम ऐसे ही होते जाएंगे। देखिए ऐसे ही करना है, सीधी साइड पर हम एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ये जो अगले वाला फंदा है इसको ऐसे लेंगे, पलट के सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे। इस कटिंग को हम रागलान कटिंग भी बोलते हैं। ये कार्डिगन में भी होती है, क्योंकि काफी सारे हम कार्डिगन ऐसे बनाते हैं जो इस कटिंग के बनाते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और हाई नेक के लिए तो ये रागलान कटिंग ही होती है। अब देखिए ये जो हमारे इस केबल वाले फंदे हैं, इस केबल के तो हम सीधे ही बनाएंगे और उसके बाद ये सारी सिलाई अपने डिजाइन के अनुसार बनाते हुए लास्ट में आपको ये केबल भी बनाना सिखाऊंगी और फ्रेंड्स यहाँ पर घटाई भी बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाइएगा इसके इस वाले कोने पर। कोई और डिजाइन आप डालेंगे तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपका डिजाइन कैसे एडजस्ट होगा। अगर आप यही वाला डिजाइन बनाएंगे तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको एडजस्ट करना सिखा देती हूँ। इस डिजाइन की ये पांचवी सिलाई है, तो देखिए ये वाला फंदा लेंगे, इसे पलट कर सीधा करेंगे, धागा पीछे और पीछे से सिलाई डालकर पहले दो फंदे का एक करेंगे। ये इस केबल को बना रहे हैं हम, अभी फंदा कम नहीं कर रहे, सिर्फ केबल बना रहे हैं। तो धागा आगे करके इसके आगे वाले दो फंदे हम पहले लेंगे। अगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये दो फंदे पहले लेते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ हमारे तीन ही फंदे रह जाते हैं, जबकि हमने यहाँ दो का एक करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे। ये दो फंदे हम यहाँ लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धागा आगे है, इस वाले फंदे को हम धागा आगे करके सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जो दो का एक किया था यहाँ जाली बन गई, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, इस वाले फंदे को भी हम सीधा बना देंगे। अब ये एक फंदा हमारा रह गया है, ये वाला फंदा और ये वाला, इन दो का हम यहाँ एक कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ इसकी जो कटाई कर रही है वो करनी है। अगला फंदा सीधा, धागा आगे करके लास्ट का फंदा उल्टा। हमने सिर्फ इतना ही मोड़ देना है, जितने भी ये केबल ये इस तरह से घटते हुए जाएंगे, जब सेकंड वाली में भी आएंगे तब सिर्फ दो बार ही हमने ये केबल मोड़ दी, उसके बाद जो फंदे बचेंगे वो सीधे बनते जाएंगे। उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी। देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर, फिर से आपको इसकी घटाई करके दिखाती हूँ। देखिए वैसे ही करनी है, ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ये तीसरे नंबर वाला सीधा फंदा ऐसे लेंगे, इसको पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे। अब ये इस केबल वाले जो फंदे हैं इन्हें हम सीधा बना लेंगे, धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, क्योंकि एक केबल ये मैं आपको पूरी कंप्लीट करके ही दिखाने वाली हूँ। जैसे यहाँ था यहाँ, तो अब हमने और आगे ये केबल नहीं मोड़नी है, क्योंकि अब हमने ये फंदे सीधे बनाने हैं। तो मैं आपको इस वाली केबल पर बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ तक का पार्ट ये सेम बन रहा है।
अब हमने क्या करना, देखिए एक फंदा ये सीधा, सातवीं सिलाई है इस केबल की, ये जाली वाला फंदा भी सीधा, जो आगे वाले दो हैं इनमें से एक फंदा ऐसे लेंगे, पलट के सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे, धागा आगे करके अगले वाले दो फंदे में पीछे की साइड से सिलाई डाल लेंगे, देखिए ऐसे, और ये आगे वाले फंदे उतार के इनको पहले डालेंगे और ये पीछे से ला करके इनको इसके आगे डाल देंगे, धागा आगे रहे और ये चारों फंदे जो हमने पलटे हैं अभी अभी इनको हम सीधा बना देंगे, देखिए एक, इन्हें गिन के बनाना होता है, दो तीन और ये चार, ये देखिए इसके आगे दो फंदे सीधे बने हैं, ये भी हम सीधे ही बना लेंगे, ये केबल हमारी जैसे यहां से चलती है यहां कोने पर पहुंच जाती है, अब इसी तरह से बनाते हुए ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और एंड में जो घटाई होगी वो आपको करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ लास्ट पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो केबल है अब हमने इसमें ये जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाया था बना करके, ये केबल अब नहीं बनेगी, अब इसके फंदे यहाँ पर सीधे बनेंगे, एक दो ये देखिएगा तीन और ये चार, ये चार फंदे देखिए हमारे अब रह गए हैं, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, आगे की साइड से सिलाई डाल के इन दोनों का एक कर देंगे, ये वाला फंदा सीधा, धागा आगे करके लास्ट का फंदा उल्टा, उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी। देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सीधी साइड पर देखिए कि घटाई कैसे करनी है, क्योंकि ये इस डिजाइन की जो है यहाँ पर नौवीं सिलाई है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर पहुंच जाएगी हमारी केबल, तो आपको बनाने में भी आसानी हो जाएगी, घटाई इसकी सेम ऐसे ही होती जाएगी, अब पहला फंदा इसका उल्टा, धागा पीछे, दूसरा फंदा इसका सीधा, तीसरे वाले फंदे को ऐसे लेंगे, पलट के इसको सीधा कर देंगे, अब पीछे की साइड से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का एक बना देंगे, और बाकी के देखिए इस केबल वाले अब हमारे यहाँ पर ये सिर्फ तीन ही फंदे हैं इसके आगे, ये हमने सीधे बना लिए हैं, नेक्स्ट बार की जब हमारी ये केबल कंप्लीट होगी तो यहाँ तक के फंदे हमारे इसमें घट जाएंगे, सेकंड बार जब आपकी ये केबल बनेगी तो ठीक इतनी ही दो बार ही ये केबल हमारी यहाँ मुड़ेगी जो मैंने आपको यहाँ पर मोड़ करके दिखाई है, तो इस साइड का आपको समझ आ गया होगा शायद, तो इसी तरह से ये इस तरह की बुनाई करनी है, इस साइड के फंदे आपने हर बार जैसे ही ये सेकेंड केबल स्टार्ट होगी तो ये प्लेन आप बुनते जाइएगा। अब हमने ये सिलाई यहाँ तक कम्प्लीट करके फिर यहाँ पर एक फंदा कम करना है, ये देखिएगा ये केबल भी एक बार आपकी कंप्लीट करा देती हूँ, देखिए एक दो तीन चार, ये चार फंदे हमने दस में से यहाँ सीधे बना लिए, ये जो दो हैं इनमें से एक ऐसे लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे, देखिए पांच फंदे सीधे हो गए, धागा आगे करेंगे, पीछे वाले जो ये लास्ट में दो रह गए हैं इस केबल में फंदे उनको पीछे से सिलाई में लेंगे, इनको पलट देंगे ऐसे, ये दो फंदे आगे डाल देंगे, अब देखिए पांच ये सीधे बने हुए हैं, चार आगे हैं, धागा आगे करके जब हम इन्हें सीधा बनाएंगे तो यहाँ बीच में जाली आ जाएगी, तो ये हमारे दस के दस वापस पूरे हो जाएंगे, तो इस तरह से तो ये केबल का डिजाइन है, तो आप इस तरह से इन डिजाइन को सेट करते जाइएगा और ये घटाई कीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस वाले हिस्से पर आपने ऐसे ही घटाई करनी है, जब ये चार फंदे रह जाएं तब देखिए एक ये और एक ये, आगे की साइड से सिलाई डाल के दो फंदे का एक फंदा करना है, अगला फंदा सीधा, धागा आगे करके लास्ट का फंदा उल्टा, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये घटाई शुरू हो चुकी है, अब हमने इसी तरह से एक फंदा यहाँ से एक फंदा यहाँ से हर सीधी सिलाई पर घटाते हुए अपनी इसकी ये लंबाई पूरी करनी है, इसमें जो है 10 साल से लेकर 14 साल के बच्चे का हाई नेक बनाने के लिए फिर से बता रही हूँ, ये घटाते घटाते दोनों साइड से हमारे 30 32 या 34 फंदे तक रह जाएं तब हमने इसकी घटाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़े का बनाएंगे तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ भी फंदे ज्यादा होते हैं, इसी हिसाब से हमने नाप रखना है और घटाई सेम होती है, चाहे हम बच्चे का कर रही हूँ, मीडियम एज के कर रही हूँ या किसी बड़े के लिए बना रही हूँ, अगर बड़े के लिए बना रहे हैं तो फंदे कम होंगे, छोटे के लिए बना रहे हैं तो फंदे
कम होंगे। अगर बड़े का होगा तो ये चीज बड़ी होगी, तो इसी हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिक वो बड़ी बन जाएगी। छोटे का बना रहे हैं तो हमारे यहाँ फंदे कम होंगे, तो कम होने से ये लेंथ भी हमारी कम हो जाएगी। घटाई का तरीका सेम होगा। तो अब फ्रेंड्स मैं इसकी ये घटाई इसी तरीके से करते हुए जब तक मेरे 32 फंदे नहीं रह जाते वहां तक इसकी घटाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स हाई नेक की जो आर्म होल की कटिंग हमने स्टार्ट की थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसकी लेंथ पूरी हो गई है। जितनी हमने इस वाले पार्ट की थी इतनी ही हमने इस पार्ट की है। हाई नेक के दोनों पार्ट्स की कटिंग बिल्कुल सेम होती है, इसमें ना कोई बैक होता है ना कोई फ्रंट होता, इसे आप किसी भी साइज से डाल सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से बता रही हूँ, 10 साल से 14 साल के बच्चे के लिए यहाँ पर 30, 32 या 34 ही फंदे आपके लास्ट में बचने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हाई नेक अगर आप बनाना चाहती हैं तो आप हाई नेक की आर्म होल की कटिंग इस तरह से कीजिएगा। दोनों पार्ट को सेम बना करके अगर आपके ऊन के गोले ज्यादा बड़े बचे हुए हैं तो आप उन्हें इस तरह से काट सकती हैं जैसे मैंने काट दिए हैं, और आप इन्हें इस तरह से छोड़ दीजिएगा। क्योंकि हाई नेक का जो गला होता है वो इसके फ्रंट बैक दोनों पार्ट और बाजू दोनों कंप्लीट होने के बाद ही इस हाई नेक का गला बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाई नेक की बाजू बनाना बताऊंगी कि बाजू हमें किस तरह से बनानी चाहिए जिससे कि हमारे हाई नेक की रेडीमेड जैसी लुक आए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।